Everybody sing that shit. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मनु भारद्वाज, जीडीपी टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको टारगेट शूटिंग के बारे में बताऊंगा, जो हम परसी होल NX100 नाइट्रो पिस्टन राइफल से शूट करने वाले हैं। इस टाइम आप यहां पर टारगेट देख रहे हैं, देखिएगा, और ये हमारा स्टैंडर्ड टारगेट है जो 10 मीटर एयर राइफल में यूज़ किया जाता है। चलिए अभी हम शूट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा यहाँ पर टारगेट सही बैठता ही नहीं बैठता। इस टाइम हम अप्रॉक्सीमेट 11 मीटर से शूट करेंगे और 11 मीटर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, वहाँ 11 मीटर के करीब बैठता है और वहाँ से हम इस जगह शूट करेंगे यहाँ पर, और देखते हैं इसकी एक्यूरेसी कितनी बैठती है। चलिए ट्राई करते हैं। दोस्तों इस टाइम आप टारगेट देख रखे हैं, ये देखिएगा, ये 10 मीटर से अबाउ टारगेट मैंने एक वुडन फ्रेम पर लगा रखा है और ये स्टैंडर्ड टारगेट है जैसा मैंने बताया था। और मैं आपको अब शूट करके दिखाता हूँ कि इसकी एक्यूरेसी कैसी है। थोड़ा हम सेट कर लेते हैं। ओके, अब हम शूट करने के लिए तैयार हैं। देखिएगा, और देखते हैं कि हमारा उस टारगेट पर पेनिट्रेट करा है नहीं करा है। ये देखिएगा, एक्यूरेसी अभी इतनी आई नहीं है क्योंकि अभी मैं यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड में ही हूँ। ये देखिएगा, दोबारा हम ट्राई करते हैं एक बार। चलिए देखते हैं कि एक्यूरेसी और कितना यहाँ पर बढ़ता है। चलिए इसे दोबारा से हम कॉक करते हैं। ये देखिएगा इसका पैलेट, यहाँ पर इसे हम डाल देते हैं। लास्ट टाइम 6 पॉइंट्स लिए थे और अब की बार देखते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट होता है। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि टारगेट पर सही लगा है नहीं लगा। ओ माय गॉड, ये देखिएगा, ये देखिए 7.67 पर आ चुका है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे मैंने बताया था कि जो प्रेसी होल NX100 नाइट्रो पिस्टन एयर राइफल है, ज़्यादातर यूज़ की जाती है फन शूटिंग के लिए, क्लिंकिंग के लिए, टारगेट शूटिंग के लिए। बहुत ही मस्त राइफल है और 20 जूल की ये पावर देती है। 850 के करीब फिट पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, जिसे हम कह सकते हैं 240 मीटर पर सेकंड। जबरदस्त गन है दोस्तों। चलिए एक और बार हम शूट करके देखते हैं, थर्ड चांस और लेकर देखते हैं कि टारगेट कितना ज़्यादा हम शूट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है। ओ माय गॉड, ये वापस इसी जगह स्ट्राइक करा है, ये देखिए। और हमारा टारगेट ये था लेकिन ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि कैसे हम बुल्स आई पर फायर करके टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों हम दोबारा हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, तब तो मैं आपसे विदा चाहता हूँ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। We'll be right back.